Hi guys, welcome to another episode of Geekishi ki Mena, Abhineet Bhardwaj. And guys, personally speaking, मैं इसके ट्रेलर के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था. And finally, the Flash movie का ट्रेलर is out, which is set to completely reboot DC Cinematic Universe. And जो भी James Gunn की नई प्लानिंग है, इस ट्रेलर के बाद, इस मूवी के बाद, सब कुछ चेंज हो जाएगा. ये मूवी कम्प्लीटली रीसेट करने वाली है DCU को. और जहाँ पे फ्लैश मूवी खत्म होगी, वहीं से नए डीसी की शुरुआत होगी. तो आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे डीसी का जो पुराने वाला फेज था, यहाँ पे खत्म हो रहा है और डीसी की नई शुरुआत हो रही है चैप्टर वन से. इसका नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स. ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड मैं दावे से बोल सकता हूँ गाइज कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होने वाली है. एंड जेम्स गन ने बात खुद कन्फर्म करी थी कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है. एंड वो पर्सनली भी काफ़ी अटैच हुए थे इस मूवी के साथ. इस मूवी में होने वाले दो बैटमैन, एक बेन एफ्लेक वाले बैटमैन एंड माइकल कीटन वाले बैटमैन. दो फ्लैश हैं, एक मेन बैरी एलन है जो कि बेन एफ्लेक वाले यूनिवर्स का है. उसके साथ जो दूसरा वाला बैरी एलन है वो माइकल कीटन वाले यूनिवर्स का, जिसके पास पावर्स नहीं है. उस बैरी एलन के पास पावर्स नहीं है, उसको हम बुलाते हैं बैरी टू. बैरी वन हो गया बेन एफ्लेक वाला. तो कोई इस मूवी कहानी ऐसी होने वाली है कि बैरी एलन या फिर बैरी वन जब अपनी मॉम को बचाने के लिए पास में जाता है, वो दूसरे यूनिवर्स से पहुंच जाता है जहाँ पे माइकल कीटन वाले बैटमैन है जो कि टिम बर्टन वाले यूनिवर्स के बैटमैन है. एंड वो काफ़ी लंबे टाइम से बैटमैन है, 30-40 ईयर से, इसलिए वो एजेड भी हो गए हैं. और इस यूनिवर्स में बैरी एलन है, उसके पास पावर्स नहीं है. एंड जब उसके पास पावर्स आती है तो माइकल कीटन वाले बैटमैन का एक स्पेयर सूट है जिसको वो पेंट करके, उसके कान वगैरह कट करके, उसको अपना फ्लैश का सूट बना लेता है. एंड मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बिकॉज बैरी वन जो है वो इस यूनिवर्स में आके फंस गया है. एंड उसके पास अब उतना स्पीड फोर्स नहीं है कि वो वापस अपने यूनिवर्स में पहुंच सके, तो इसलिए उसको बैरी टू को ही पावर्स देनी पड़ती है इसी वे में जिस तरीके से उसको पावर्स मिली थी, ताकि दो फ्लैश एक साथ मिलकर स्पीड फोर्स क्रिएट कर सके और बैरी वन अपने यूनिवर्स से पहुंच पाए. ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. तो दोस्तों, ट्रेलर की जब शुरुआत होती है हम तो वॉइस ओवर सुन सकते हैं माइकल कीटन वाले ब्रूस वेन या फिर माइकल कीटन वाले बैटमैन का वॉइस ओवर. एंड वो यहाँ पे बैरी वन से बात कर रहे हैं क्योंकि बैरी वन जो है वो इस यूनिवर्स में आ चुका है. अब माइकल कीटन वाला बैटमैन बैरी वन से पूछते हैं कि तुम किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हो, तुम किसी भी टाइम में जा सकते हो, तुम अपने आप को बचा सकते हो, तो फिर तुम इस यूनिवर्स में क्यों आए हो और हमारी मदद क्यों करना चाहते हो. तो बैरी वन ये बोलते हैं क्योंकि इस यूनिवर्स में मेरी मॉम रहती हैं. और जो उसका यूनिवर्स था बैरी वन का, जिसमें बेन अफ्लेक वाले बैटमैन है, हेनरी कैविल वाले सुपरमैन है, वहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हो गई थी. तो इसलिए वो कुछ भी करके इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे उसके मॉम, उसके डैड, उसकी खुद की फैमिली है, बैरी टू भी अवेलेबल है. एंड गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फ्लैश के ऊपर एक और पहले वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस मूवी का विलन जनरल जॉर्ड होने वाला है. एंड मेरी वो बात सही निकली. तो मेरी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि इस मूवी के ना दो विलन होने वाले हैं. एक डार्क फ्लैश होगा, जो कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है शायद बैरी टू हो सकता है, पर टोटली कोई एक और बैरी होने वाला है. एंड जनरल जॉर्ड तो है ही है मेन विलन. ट्रेलर के बिल्कुल इनिशियल सीन में हम ये देखते हैं कि बैरी वन एक्चुअली वापस अपने पुराने यूनिवर्स में पहुंच चुका है और बैरी वन यही समझाना चाह रहा है बेन अफ्लेक वाले बैटमैन को कि मुझे जाने दो दूसरी यूनिवर्स में, को प्रोटेक्ट करने अभी मॉम को, मैं सबको ठीक कर दूंगा. लेकिन बैटमैन यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अगर दूसरे यूनिवर्स में गए, तुमने टाइम के साथ खेला, तो गड़बड़ हो सकती है, रिमेंबर दैट. पर बैरी किसी की कहां सुनने वाला था. एंड वो टाइम में पीछे जाता है, अपनी मॉम को बचा लेता है, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय से बचा लेता है. लेकिन हम वहां पर ये देखते हैं कि इस यूनिवर्स में आने की वजह से टाइमलाइन ब्रेक होने लगती है. और ऐसा बैरी एलन ने ट्रेलर में बोला भी है कि आई ब्रोक दी टाइमलाइन, आई ब्रोक दी यूनिवर्स. इसी यूनिवर्स में गाइस हम बैरी टू को देखते हैं जिसके पास पावर्स नहीं है. और मोस्ट प्रोबेबली बैरी वन में वो इस यूनिवर्स में आके फंस गया है और वो चाह के भी अपने यूनिवर्स में नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसके पास अब उतना स्पीड फोर्स नहीं बचा है. तो मोस्ट प्रोबेबली बैरी टू में वही एक्सपेरिमेंट करता है जिसके थ्रू उसको खुद को पावर्स मिली थी. इसलिए हम ट्रेलर में बीच में कुछ सीन्स देख सकते हैं कि बैरी वन के अंदर से बिजली निकल रही है जो कि बैरी टू में भी जा रही है. एंड वही बैरी टू को भी सुपर पावर्स देगी फ्लैश वाली, क्योंकि बैरी टू के बिना खुद बैरी वन अपने यूनिवर्स में नहीं पहुंच सकता, वापस अपने यूनिवर्स में नहीं पहुंच सकता. ये गाइस, इसका ट्रेलर मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स याद दिलाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये मूवी हैवीली इंस्पायर्ड है फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स. कौन से फर्क कितने हैं फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की कॉमिक में हम ये देखते हैं कि एक पतला सा कमज़ोर सा सुपरमैन होता है जो कि मेट्रोपोलिस में लैंड हो गया था, मतलब वो बच्चा जो था कालेल वो मेट्रोपोलिस में लैंड हुआ था रादर देन स्मॉलविल. लेकिन इस मूवी में हम ये देखेंगे कि सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल लैंड हो गई थी मेट्रोपोलिस में, जिसको हैवीली सिक्योरिटी में रखा गया क्योंकि ऑब्वियसली वो क्रिप्टोनियन है, उसके पास सुपर पावर्स हैं. और बैरी वन तो जानते ही कि अपने यूनिवर्स में हमको हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की जरूरत थी, तो वो ये सोचते हैं कि इस यूनिवर्स में भी हेनरी कैविल वाले सुपरमैन होगा. लेकिन फर्क इतना है कि कोई हैवी सिक्योरिटी वाले एरिया में है, इसलिए हम देख सकते हैं कि बैरी वन, बैरी टू
और बैटमैन जाते हैं उस हेविली सिक्योर्ड एरिया में जहाँ पे सुपरमैन होना चाहिए था, बट यहाँ पे उनको मिलते हैं सुपर गर्ल, और सुपर गर्ल लैक्सलेक्स की मदद करती है वहाँ से निकलने में, एस्केप करने में। और सुपर गर्ल के बाद फिर वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि मेरी यूनिवर्स में क्या हुआ था, बैरी वन बताते हैं मेरी यूनिवर्स में क्या हुआ था। तो बेसिकली उनकी टीम रेडी हो चुकी है, बैरी वन हो गया, बैरी टू हो गया, सुपर गर्ल हो गई, माइकल कीटन वाला बैटमैन हो गया। और इसी के बाद मोस्ट वाली बैरी वन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा ताकि बैरी टू को भी पावर्स मिल सके। एंड गाइस हम देख सकते हैं कि बैरी टू को जब पावर्स दी जाएंगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी डेथ हो जाएगी। और इस सीन में हम देख भी सकते हैं कि बैरी टू एक्चुअली जल गया है, इसकी बॉडी देखेंगे तो जल चुका है, ये पूरा कम्प्लीटली जला हुआ है। बैरी वन ने इसका हार्ट टच किया बैरी टू का, एंड तभी फिर सुपर गर्ल उसको आसमान में लेके जाएगी जैसे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन सुपर गर्ल उसको देख सकते हैं कि एक सीन में ऊपर आसमान में लेके जा रही है ताकि उसको बिजली के थ्रू मे बी रिवाइव किया जा सके, क्योंकि बैरी टू की डेथ हो जाती है। जैसे वो रिवाइव होगा बैरी टू के पास ही पावर्स आ जाएंगी। और बैरी टू का सूट तो ऑब्वियसली वही है कि माइकल कीटन वाले बैटमैन का एक स्पेयर सूट, जिसको बैरी टू पेंट करके फ्लैश का सूट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो एक चीज हम समझ चुके हैं, जैसे हमने बैरी वन को देखा था अभी तक की जितने भी डीसी की मूवीज आई थी, चाहे फिर वो जस्टिस लीग स्नाइडर कट हो या फिर कोई भी मूवी हो, उसमें उसका ब्लू बिजली है, ब्लू कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है उसके अंदर से, लेकिन अब उसके पास येल्लो पावर्स हो गई है। तो येल्लो एक्सपीरियंस के लिए होती है, जो ब्लू होती है वो एमेच्योर के लिए होती है। इसलिए आप देखेंगे बैरी टू जो है सिर्फ उसके पास नई नई पावर्स आएंगे तो उसके पास ब्लू कलर की पावर्स हैं, एंड बैरी वन जो कि एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा, अब उसकी येल्लो हो चुकी है। एंड गाइस ऐसा पूरी जस्टिस लीग हमको देखने को नहीं मिलने वाली मूवी में, बट ये ऐसा माइकल कीटन वाले बैटमैन है, सुपर गर्ल है, दो फ्लैश है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही फाइट करेंगे जनरल जॉर्ड से। तो ये मूवी ना कुछ मैन ऑफ स्टील टाइप भी होने वाली है, जहाँ पे जनरल जॉर्ड आता है पृथ्वी पे कब्जा करने के लिए, वही सीन हमको देखने को मिलता है। और भाई ये चारों लड़ेंगे जनरल जॉर्ड से, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये फिल्म। में मोस्ट प्रोबेबली ये होगा जब बैरी टू को बैरी वन अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्या क्या हुआ है मेरे यूनिवर्स में, कैसे मैं फ्लैश बन गया हूँ। ये दोनों पहुंचते हैं माइकल कीटन वाले बैटमैन घर पे पूरी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। बैरी वन तो ऑलरेडी जानता था कि ब्रूस वेन बैटमैन है, लेकिन जब बैरी टू को पता चलता है तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली से बैटमैन को फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन बैरी वन तो ऑलरेडी बैटमैन से काफी वाकिफ है, इसने उसको कोई बड़ी चीज नहीं लगती है। ऑल्सो गाइस जो वहाँ पे मेरे गूज़बम्स आए थे ना, वो सीन था जहाँ पे हम डैनी एल्फमैन की बैटमैन वाला थीम सुनते हैं, जो कि ओरिजिनल माइकल कीटन वाले बैटमैन की थी। मजा आया था गाइस उस वाले म्यूजिक को सुनकर, ट्रेलर में एकदम नॉस्टैल्जिक फील होता है। हम ट्रेलर में कुछ पास के सीन्स भी देख सकते हैं जहाँ पे बैरी वन देख रहा है कि उसके मॉम की कैसे डेथ हुई थी, उसके डैड के ऊपर नाम आया था, एंड हमेशा से उसको यही रिग्रेट था कि वो जानता था कि मेरे डैड जो है वो इनोसेंट है, एंड मेरी मॉम की डेथ हुई है उसके पीछे किसी और का हाथ है। शोज में फिर मूवीज में तो हमेशा से येल्लो फ्लैश या फिर रिवर्स फ्लैश रहे, लेट सी इस मूवी का एग्जैक्टली विलन कौन है। ऑल्सो गाइज इस मूवी में रिवर्स फ्लैश हो सकता है सिर्फ पोस्ट क्रेडिट फिर मिड क्रेडिट सीन में हो, क्योंकि रिवर्स फ्लैश एक बहुत बड़ा विलन है, एनी टाइम सुन तो वो नहीं आने वाला, हो सकता है फ्लैश टू में आए। ऑल्सो गाइज मैं तो वेट कर रहे हैं कब हमको इस मूवी में बैट मोबाइल का चेस सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो कि ओरिजिनल वाली बैट मोबाइल है। ऑल्सो गाइज आप देख सकते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे बैटमैन खड़े माइकल कीटन वाले बैटमैन, उसके आगे बैट विंग है जो कि माइकल कीटन वाले बैटमैन का एरोप्लेन है, जो कि ट्रेलर में हमको आगे देखने को मिलता है, और ये मूवी के एंड की तरफ ही यूज होने वाला है। ऑल्सो गाइस कुछ सेकंड के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे एक बार बैट रिंग को उड़ते हुए भी देख सकते हैं कुछ माइन्यूट सेकंड्स के लिए। ऑल्सो हमको कुछ सेकंड के लिए बेन एफ्लेक वाले बैटमैन का भी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। मजे की बात यह है दोस्तों कि जो बेन एफ्लेक वाले बैटमैन का सूट है या ब्लू और ग्रे है, जो कि कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाया गया है, या फिर हो सकता है इस पर्टिकुलर सीन में हमको ब्लू दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ब्लैक ही है, वो शेडिंग का डिफरेंस है, कलर डिफरेंस आ सकता है। लेकिन हाँ, इस सीन को अगर इस फ्रेम को देखें तो ये प्रॉपर एकदम क्लासिक वाला बैटमैन का सूट लग रहा है, ब्लू और ग्रे। और जहाँ बैरी टू पूछता है व्हाट्स द प्ले, बैटमैन व्हाट वी आर गोना डू, एंड बैटमैन कहते हैं ट्राई नॉट टू डाई। ये वो सीन है जहाँ पे ये पूरी पूरी टीम बैरी वन, बैरी टू एंड बैटमैन सुपर गर्ल को बचाने के लिए गए उस फैसिलिटी में, क्योंकि ये सीन हमको रिमाइंड कराता है फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स के सुपरमैन वाले सीन को, जहाँ पे वो पतले सुपरमैन को बचाने के लिए जाते हैं। पर फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में वो लास्ट में आते हैं वो सीन, इस मूवी में ऑब्वियसली बात है फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगा। तो गाइस ये थे आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप यू एंजॉयड। आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एकदम प्रॉपर धमाकेदार धांसू तरीके से मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर You all are superheroes, life mein aasha kariye. Thank you so much, take care, bye.